हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। तो आज मैं एक टॉपिक पर आपके साथ बात करने आई हूँ। मुझे 3 साल यूट्यूब पे मेहनत करते करते हो गए हैं और 2 साल मेरे चैनल को मोनेटाइज हुए हो गए हैं। इतनी मेहनत करने के बाद जब व्यू नहीं आते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। आप अगर मेरे वीडियो में जाके देखेंगे तो आप वीडियो में जाके सिंगार या फिर कोई भी वीडियो हो पूजा पाठ की, कहीं भी कोई भी कमी आपको नहीं मिलेगी। मोनेटाइज होने के बाद भी और 3 साल मेहनत करने के बाद भी अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो बहुत ही बुरा लगता है। और वीडियो में जब कोई कमी ना हो तब वीडियो पे व्यूज़ कम आए तो और ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैं यही कहूँगी, तो एक बार जाके आप सब मेरे चैनल को चेक करें। कभी कभी मन करता है छोड़ने का, लेकिन मैं जो श्रृंगार करती हूँ वो तो मेरे हमेशा होते ही हैं। मैं यूट्यूब पे नहीं भी होंगी तब भी वह श्रृंगार मैं करूँगी। वही श्रृंगार मैं ज़्यादातर आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखिए, मुझे कैमरे में आना ज़्यादा पसंद नहीं है, ये बस मुझे थोड़ा सा कुछ कहना था इसलिए मैंने थोड़ी सी क्लिप ली है। अब मैं आपको दिखाऊँगी अपने ठाकुर जी के श्रृंगार, जिस तरीके की मैं वीडियो डालती हूँ। आप मेरे ठाकुर जी के श्रृंगार, जैसे मैंने रूम तैयार करा रखा है, हमेशा सारे जितने भी त्यौहार होते हैं छोटे से लेकर बड़े, ये देखिए जन्माष्टमी के श्रृंगार हैं, ये मैंने जन्माष्टमी पर डाले थे। तो इस तरीके से मैं श्रृंगार डालती हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि श्रृंगार में या फिर वीडियो में या फिर वीडियो के कंटेंट में या कहाँ पर क्या कमी होती है, तो वही मैं जानना चाह रही हूँ कि वीडियो में आप पहले सारे में श्रृंगार दिखाऊँगी, रूम दिखाऊँगी और अपना मंदिर भी दिखाऊँगी। तो ये मेरे 3 बड़े ठाकुर जी हैं जो मैंने जन्माष्टमी पर श्रृंगार किया था। इस तरीके से पीछे भी मेरे ये ठाकुर जी हैं जो बैठे हुए हैं। वैसे मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे श्रृंगार हमेशा करना है और मैं YouTube पे नहीं थी उससे पहले भी ऐसे ही करती थी, लेकिन फिर भी इतने टाइम मेहनत के बाद सक्सेस कम मिलती है तो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से देखिए, इस हरदास जी की ये जो मैंने कुटिया बनाई है, ये भी इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ था, आप मेरे चैनल पर जाके चेक करना। मैं छोटी से छोटी हर चीज़ का वीडियो चैनल पर डालती हूँ। तो देखिए, मैंने अपने रूम के सारे श्रृंगार दिखाए हैं, एक बार पीछे से जाके रूम दिखाती हूँ। ये मेरे ठाकुर जी का रूम है जिसकी मैं हमेशा श्रृंगार वीडियो डालती रहती हूँ, या फिर नाइट रूटीन या फिर जैसे भी सेवा मेरी होती है तो मैं उसको वीडियो बना के आप तक पहुँचा देती हूँ। लेकिन व्यूज़ आप मेरे जाके चेक कीजिए। सब्सक्राइबर भी 3 साल में अभी मेरे 50,000 नहीं हुए हैं, काफ़ी कम है अभी 50,000 में। और इसके बाद देखिए, ये रूम की वीडियो मैं हमेशा शेयर करती हूँ। श्रृंगार हमेशा अलग होते हैं, हर त्यौहार पे अलग होती हैं, पूजा विधि होती है, व्रत कथाएँ होती हैं, सारी व्यू आते भी हैं, कभी बहुत अच्छे आते हैं और कभी बहुत बेकार आते हैं, लेकिन सक्सेस अभी बहुत कम है। इसलिए थोड़ा आज मन उदास था इसलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की है। तो देखिए, ये मेरा मंदिर का है, थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ अपने मंदिर का। ये मेरा मंदिर का जन्माष्टमी का श्रृंगार है, ये मैंने डेकोरेशन की थी, इसकी बड़ी वीडियो भी मैंने डाली थी चैनल पर, उसका रेस्पॉन्स कुछ मुझे मिला नहीं। तो इसी वजह से कभी कभी तो मन करता है यूट्यूब छोड़ देने का, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी अगर रेस्पॉन्स ना मिले और मोनेटाइज के बाद भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है एक भी बार। इसलिए आज मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि अगर वीडियो में कोई कमी है या किसी चीज़ में तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं कोशिश करूँगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इस तरीके से रात्रि में ये जो हरदास जी की कुटिया आपको दिख रही होगी डेकोरेशन की थी जन्माष्टमी को। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप तक पहुँचे तो प्लीज़ सपोर्ट करें। कोई भी कमी हो वीडियो में तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।